अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और खुश होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामला करे। आमीन सुमा आमीन। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा ये व्लॉग शुरू करती हूँ मैं सुबह के नाश्ते से। मैंने बना लिए थे वेजिटेबल अंडा नूडल्स, जो मैंने आपसे पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। इस बार मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और साथ में मैंने बना लिया था मैंगो लस्सी। सबने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, बस मेरा ही रहता था, मुझे कुछ काम थे। इसके बाद मैंने काम करने बाद अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी यहाँ मैंगो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो फिर मैंने नाश्ते में ही बना ली थी लस्सी। इसके लिए मैंने लिए थे आम और इसे काट लिया था। इसके साथ लिया था दही, पानी जो जितना रिक्वायर्ड होना है। और इसके बाद मैंने लिया था थोड़ा सा इलायची पाउडर और मिठास के लिए शुगर, और इन सबको कर लिया था ग्राइंड और बन गई थी मज़ेदार सी लस्सी। बच्चों के हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो बस ऐसे ही काम फुर्सत से हो रहे हैं। मुझे एग सेट कर रखने थे, तो ये कंटेनर मैंने निकाल कर एग सेट कर लिए थे। ये मैंने लिया था ग्रीन हाउस से और ये मुझे मिला था 11 दिरहम में। इसका मटेरियल अच्छा है और ज़्यादा स्पेस भी इसकी नहीं लगेगी। मैंने बहुत दिन पहले ही लिया था, लेकिन इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ रही थी, लेकिन इस बार मुझे रखने थे इसमें एग, तो फिर मैंने इसे क्लीन कर लिया और इस तरह से फिर मैंने इसे सेट कर लिया था। जितने एग्स आने थे मैंने इसमें जमा लिए। इसके बाद मैंने देखा कि इसमें ज़्यादा आ सकते हैं क्या, तो फिर मैंने इसे सेट कर देखा तो नहीं जी, इसमें जितना स्पेस दिया है उतने ही आएंगे, ज़्यादा इसमें नहीं आएंगे, आप जितनी भी कोशिश कर लें। बहरहाल मैंने कोशिश तो की लेकिन वो नहीं आ रहे थे, तो फिर बस मैंने इतना ही इसमें डाले और फ्रिज में सेट कर लिया। एक कंटेनर को फ्रिज में रखने के बाद इस पर मैंने रख लिया था समोसा पट्टी बॉक्स को भी, और इस तरह से जगह भी अच्छी सी बच गई थी। पहले मैंने एक इस तरह से फ्रिज में जमा लिए थे, इसके बाद जो बचे हुए थे मैंने ये कंटेनर में रख लिए थे और इस तरह से ये सेफ हो गए। एग्स के कंटेनर के साथ साथ मैंने ये चावल के बॉक्स को भी क्लीन कर लिया था और साथ साथ ये काम भी मैंने निपटा लिया। इसके बाद जी क्लिप शुरू होती है डिनर की। यहाँ मैंने बना लिया है पिज़्ज़ा और साथ में बना लिए थे लखमियात। बच्चों को वो लखमियात बहुत पसंद आए थे, तो फिर मैंने दोबारा से इस वीकेंड पर बना लिए थे लखमियात। और पिज़्ज़ा की मैंने ऑलरेडी आपसे रेसिपी शेयर की हुई हैं, इंशाल्लाह व्लॉग के लास्ट में इसे मैं शेयर करूँगी। रेसिपीज़ चाहिए तो देखना ना भूलें। ये हम आए हैं दुबई और ये है जी जुमेरा बीच।
दुबई जुमेरा में ही है ये बुर्जुल अरब, तो उसी तरफ हम चले गए थे। जुमेरा बीच के इस तरफ बुर्जुल अरब बहुत ही पास था। गर्मी तो बहुत थी लेकिन बीच को भी सब इंजॉय कर रहे थे, स्विमिंग भी कर रहे थे और मेरी तरह वीडियोस भी सभी ले रहे थे। हमने जहाँ कम लोग थे उस जगह का इंतखाब किया था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी और लहरें भी बहुत ही तेज़ आ रहे थे, ऐसे में लहरों का शोर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जुमेरा बीच आए थे हम असर के बाद और हो गया था मगरिब का वक्त। वो पास ही जो मस्जिद वीडियो में दिख रही थी वहीं पर हम आ गए थे। बीच में जितना शोर था मस्जिद में उतना ही सुकून था, बहुत अच्छा लग रहा था। मस्जिद भी बहुत प्यारी थी, बिल्कुल वैसी ही थी जो मैंने इससे पहले दुबई की एक मस्जिद आपसे शेयर की थी। अंदर का सारा तकरीबन ऐसा ही था जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे शेयर किया हुआ है। आने पर तो मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल किया था और जाते वक्त में मैंने किया था स्टेयर्स का इस्तेमाल। स्टेयर्स भी बहुत ही प्यारे बनाए गए थे और बाहर का अहाता भी बहुत ही खूबसूरत था जो आपको आगे नज़र आएगा। ये गए थे हम ईद के दिनों में ही। इसके बाद ईद के बाद हमने कर ली थी शॉपिंग, वो भी मैं आगे के व्लॉग्स में आपसे शेयर करूँगी। यहाँ तक था जी ये हमारा व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। लाइक भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। शेयर भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। और रही सब्सक्राइब करने की बात, तो वो भी बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये फ्री का मौका आप ज़रूर उठाएंगे और ऐसा कर मुझे भी खुशी पहुँचाएंगे। तो चलिए जी, यहाँ करती हूँ मेरे ये इस व्लॉग का एंड। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई रेसिपी नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआ में याद रखिए, हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। दुआ है अनमोल तोहफ़ा, इसे सब में बांटें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफिज़।